हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस रोज देखते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे ये लगा कि जो भी मैं स्टॉक्स आपको देता हूँ पर्टिकुलर टारगेट या स्टॉप लॉस के साथ देता हूँ, उससे आपकी स्टडी नहीं हो पाती, उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज नहीं हो पाती, बस आप एक लेवल्स लेके उस पर ट्रेड कर पाते हैं। सो गाइस, अब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको स्टॉक्स दूंगा वो स्टॉक्स के चार्ट्स लेकर जाके आपको मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक पर्टिकुलर मैं क्यों दे रहा हूँ और किस वजह से दे रहा हूँ, क्या चार्ट में ऐसा बन रहा है कि क्यों मैं आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक प्रोवाइड करा रहा हूँ। इससे आपकी एक तो लर्निंग भी इंक्रीज होगी, साइड बाय साइड आपको लेवल्स भी पता चल जाएंगे। और गाइस, अब जैसे मैं आपको लेवल्स खुद लिख के देता था कि इस लेवल पे बाय करना है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है, करंट मार्केट प्राइस है, ये अब आपको इस वीडियो पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको मैं चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी जा सकता है, क्या स्टॉप लॉस है, पर वो जो लिखा हुआ होता है जो वो है वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको किस तरीके से मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। जो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा, लिंक दिखेगा और वो लिंक डायरेक्ट आपको ले जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको investing.com पे ले जाएगा। investing.com पे जब भी आप जाएंगे, या अगर आप लिंक ना भी क्लिक करें, अगर आप मेरी वीडियो देख ले, कभी भी वीडियो देखने के बाद आप सीधा investing.com डालिए, www.investing.com, आप यहाँ पर अपने इंडिया की मार्केट में जाइएगा और इंडिया की मार्केट पर जाने के बाद जब आप हल्के हल्के नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, आप देख सकते हैं एनालिसिस एंड कमेंट्स। अब यहाँ पर जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा शो कर जाएगा, आप देख सकते हैं टॉप इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज फॉर ट्यूजडे अगस्त 20, 2019 निफ्टी टेक्निकल आउटलुक। इसका मतलब यह है कि मैंने जो कल आपके लिए, यानी कि आज के लिए जो वीडियो बनाई थी, जो कल आपके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आज हमें किस तरीके से काम करना है, यहाँ पर भी मैं उसका सारा का सारा समरी में डेटा ले आता हूँ, सारा आपको मटेरियल मिल जाता है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखिएगा गाइस किस तरीके से ये आपको पूरा शो कर जाएगा, आपको पढ़ने में पूरी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको क्या क्या नई नई चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो आपको वीडियो में नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा मैं। गाइस देख सकते हैं निफ्टी व्यू आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपको चार्ट में सिखाया जा रहा है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, सब कुछ आप नोट कर सकते हैं। जो ज़्यादा नहीं भी बता पाऊंगा चार्ट में वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साइड बाय साइड पॉजिटिव चीज़ और क्या है, आपको ग्लोबल व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है। साइड बाय साइड आपको US, चाइना, आपको बॉन्ड यील्ड्स जो रिसेशन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा जाता है, किस तरीके से जैसे हमारी मॉनिटरी पॉलिसी है RBI की, वैसे जो फेड की पॉलिसी होती है वहाँ पर क्या चल रहा है, उसके साइड बाय साइड कमोडिटी व्यूज़, क्रूड में क्या हो रहा है, इंडियन रुपीज़ में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मेरी आर्टिकल के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा। साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे तो आपको लाइमलाइट सेक्टर्स भी प्रोवाइड होंगे जो कि उस दिन मार्केट पे सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरेंगे या बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं। साइड बाय साइड गाइस आप देख सकते हैं जो भी मैं आपको मैं स्टॉक्स देता हूँ वो स्टॉक्स यहाँ पर भी मैं आपके लिए शो कर देता हूँ, और यहीं पर भी मैंने वीडियो का लिंक डाल रखा है यूट्यूब का, आप जाके यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो गाइस, अब से मैं आपको सिर्फ चार्ट्स प्रोवाइड कराऊंगा, चार्ट में आपको जो भी मैं टारगेट या स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराता था, जो भी मैं लिखा हुआ देता था, वो सारा कुछ आप वहाँ पर मेरे investing.com पे जाके उसे देख सकते हैं। अच्छे से रीड मटेरियल को रीड करेंगे, आर्टिकल को रीड करेंगे तो आप हर दिन पैसा कमा पाएंगे। सारा इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके वॉच करिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक को और आप फ़ायदा उठा सकते हैं गाइस। सो गाइस, इसी के साथ अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला स्टॉक मेरा जो कि होगा मारुति। तो गाइस, मारुति पे अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, बाइक या सेल साइड में लेना है, और क्या ऐसा पैटर्न बन रहा है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसे पूरा देखिए, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइज, आप खुद के खुद समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है अर्ली चार्ट में रिलायंस के मारुति के अंदर, ये देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है रिलायंस ने मारुति के अंदर, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने आज अपना ब्रेकआउट दे दिया, आप देख सकते हैं मारुति ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया एक पर्टिकुलर पैटर्न से, और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स किस तरीके से इंक्रीज करें डब, यानी कि जो 4-5 घंटे के जो वॉल्यूम्स थे उसके 3 गुना वॉल्यूम हमने देखा कि बनते हुए हमें देखने को मिले।
मारुति के अंदर, जैसी उस पर्टिकुलर मारुति ने यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। क्लोजिंग मारुति की जो हुई है वो 6223 पे हुई है। सो मैं आपसे सलाह यही दूंगा कि अगर मारुति कुछ डिप देता है यानी कि 6200 तक आता है तो आप बाय करके चलिए, और वहाँ पर आप बाय करके चलेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या आपको मेंटेन करना है, आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस का कहाँ पर मेंटेन करके रखना है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से 50 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके रख सकते हैं, जो कि शो कर रहा है अराउंड 6170। तो आप 6170 तक का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। टारगेट कहाँ तक लग रहे हैं मुझे मारुति के अंदर? मारुति के अंदर जो मुझे टारगेट लग रहे हैं वो बहुत हायर साइड के लग रहे हैं। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि मुझे लगता है कि मारुति अपने इस प्रीवियस कैंडल तक पहुँच सकती है, जो कि है 6280 तक मारुति पहुँच सकती है, या जिसका एक प्रीवियस हमने देखा था ये एक हर्डल बन सकता है, यहाँ तक मारुति आराम से जा सकती है गाइस। यानी कि मारुति अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाती है, यानी कि अगर मारुति 6160 के लेवल को सस्टेन कर जाती है और उसके ऊपर रहती है, तो मारुति एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें 6350 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है, यानी कि यहाँ से मारुति 150 पॉइंट की मोमेंटम और दिखा सकती है। सो कल इंट्राडे पे अगर हम बाय करने की सोचें तो मैं आपको यही बोलूँगा, मारुति डिप देती है 20-30 रुपये की, बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए वहाँ से 30-40 रुपये का। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50-80 रुपये तक के, और या फिर इंट्राडे में भी शायद वो 150 पॉइंट की मारुति रैली दे सकती है। मारुति एक बाय काउंटर बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ब्रेकआउट दिया, हैवी वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए, सो एक बाय काउंटर बनता है। अब हम बढ़ते हैं मदसन सूमी में। सॉरी गाइस, मदसन सूमी में ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है, मतलब ऐसा हमें क्या चार्ट में शो कर रहा है कि मैं आपको एक बाय की सलाह दूं? गाइस, जो भी मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक्स देता हूँ वो एक इंट्राडे लेवल भी होता है, साइड बाय साइड आपको एक स्विंग पोजिशनल ट्रेड भी होता है। स्विंग पोजिशनल ट्रेड यानी कि एक हफ्ता के लिए आप होल्ड करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे जाएगा गाइस। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते थे, मेरे पास मैसेजेस आते थे कि आप इंट्राडे लेवल्स ही देते हैं, आप कुछ स्विंग भी दीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है पर हम इंट्राडे पे काम नहीं कर सकते। हमारे पास 10-20 लाख रुपए हैं पर हम इंट्राडे में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बहुत बिजी होते हैं, तो आप हमें कुछ स्विंग ट्रेड दे दीजिए। सो गाइस, ये आपके लिए स्विंग ट्रेड का भी काम करते हैं, क्योंकि जो मैं आपको टारगेट देता हूँ, जो मैं आपको सेकेंड टारगेट देता हूँ, वो जनरली मेरा एक स्विंग टारगेट ही होता है। अब इसमें पर्टिकुलर क्या बन रहा है पैटर्न, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ा, नीचे आया, ऊपर गया, और हमने देखा एक तुरंत फॉल आ गई। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जी गाइस। अब आप देख सकते हैं कि बॉटम से हायर तक मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी, और उसका जो 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वहीं पर ही इमारुति मदसन सूमी 1.5 से 2 हफ्ते तक सपोर्ट ले रहा था। एग्जैक्ट 161.8% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे मदसन सूमी ने सपोर्ट लिया। इस पैटर्न को कहते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं आपको पैटर्न्स के बेस में ही पर्टिकुलर स्टॉक्स प्रोवाइड कराता हूं। अगर किसी का टारगेट नहीं मीट हो पाता तो यानी कि वो पैटर्न फेल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, अब ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, और एग्जैक्ट यहाँ पर ये तुरंत नीचे गिर गया। तुरंत नीचे गिरने के बाद अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं जी गाइस, इस पर्टिकुलर हम पैटर्न को कहते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। ये देख सकते हैं गाइस, ये एक बटरफ्लाई पैटर्न का काम करती है, यानी कि अगर ये यहाँ से ऊपर गई, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ी और प्रीवियस लो को तोड़ के एग्जैक्ट वहाँ से वो नीचे गिर जाती है, और 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे अगर वो सपोर्ट ले रही है, वहाँ पर अगर वो रुक रही है, अपने लेवल को वहाँ पर सस्टेन कर रही है, तो यानी कि वहाँ से एक अपमूव आ सकती है। अपमूव आ जाएगी तो अपमूव कहाँ तक लेकर जाएगी? सबसे पहली अपमूव जो आती है वो आती है 138.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो कि है 108 का लेवल। 108 के लेवल तक ये मदसन सूमी जा सकता है। मैं नहीं कह रहा एक दिन में जाएगा, हो जाएगा, 1-2-3 दिन लग जाएंगे, पर यहाँ तक जा सकता है। यानी कि अभी एक ये बाय काउंटर है, कल भी इंट्राडे पे मुझे लगता है कि 2-3 रुपये या 4 रुपये तक की मूवमेंट भी मदसन सूमी दे सकता है। नेक्स्ट अगर ये इस पर्टिकुलर 108 या 109 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसका जो नेक्स्ट हर्डल है वो है 100% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि इसका पहला प्रीवियस सपोर्ट का काम कर रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वही सपोर्ट किस तरीके से जब टूटा तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। तो यानी कि अगर वो 108 ने 109 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कंटिन्यूसली 2-3 दिन के क्लोजिंग बेसिस के अंदर, वॉल्यूम्स हल्के हल्के इंक्रीज हो रहे हैं हर 3 दिन,
सो गाइज इसका मतलब ये है कि वहाँ से वो 125 तक के लेवल तक भी जा सकता है। और अगर आप मारुति मदरसन सुमी का एक लॉट भी बाय करते हैं और अगर आपको इतनी अपसाइड दिखती है, तो आप मुश्किल से मुश्किल 50 से 60 या 90 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं मदरसन सुमी के अंदर अंदर ही। सो गाइज ये था मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए। अब मैं एक दूसरी बात आपको और दिखाता हूँ, एक बटरफ्लाई पैटर्न और बन रहा है इस बटरफ्लाई पैटर्न के अंदर ही, यानी कि एक बटरफ्लाई पैटर्न के अंदर एक और बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक ने अपमूव दी, अपमूव देने के बाद नीचे आया, फिर अपमूव दी, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस लो को तोड़ के एग्जैक्ट ये नीचे आ गया, आ गया गाइस। अब हम यहाँ पर हम एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद हमें वो क्या चीज़ बता रही है जी गाइस, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब हमने ड्रॉ करा तो हमें भी वो यही सजेस्ट कर रही है कि वो यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले सक। देखिए गाइस जो मैंने पुराना फिबोनाची जो बनाया, वो जो एक हम देख सकते थे कि जो बड़ा टाइम फ्रेम पे जो मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया जो बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा था, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आपको इस लेवल पे, मैं एक बार सेगमेंट ऑन कर देता हूँ, वो कह रहा है गाइस कि हमें एग्जैक्ट इस लेवल पे 96-95 के लेवल पे एक सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वहां पर ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेस्ट ले रहा है अप मूव के लिए। ये जो शॉर्ट टर्म मदरसन सुमी है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि गाइस ये 100 रुपए में इसका एक हर्डल है, यानी कि 100-101 रुपए में इसका हर्डल है, अगर ये 100-101 रुपए का ऊपर की तरफ अपमूव दे देता है तो वहां से हमें एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल जाएगी। वो अपसाइड कहाँ लेकर जाएगी, वो लेकर जाएगी 104 या 108 के लेवल पे। अब 104 का लेवल कैसे आया जो शॉर्ट टर्म है, आप देख सकते हैं एकदम से वो मूवमेंट नहीं देगा, उसे एक हर्डल्स मिलेंगे, उस हर्डल के लिए मैंने एक शॉर्ट टर्म बटरफ्लाई पैटर्न बनाया। तो अब आपके लिए इसमें क्या करना है, 98 पे ट्रेड कर रहा है, 95 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, क्लोजिंग बेसिस के अंदर की बात हो रही है, क्लोजिंग बेसिस पर अगर 95 के लेवल को ब्रेक करता है तो एग्जिट करिए, या फिर क्लोजिंग बेसिस के अंदर 95 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 104 से 108, और अगर आप एक ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपको मैं बोलूँगा कि फ्रेश बाइंग पोजीशन तब इनिशिएट करिए जब ये 101 के ऊपर निकलता है, 101 के ऊपर निकलिए फ्रेश बाइंग इनिशिएट करिए 104 108, और एक अगला टारगेट होगा 125 का लेवल। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ गाइस, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये पर्टिकुलर पैटर्न्स के बारे में नहीं बताएगा, बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है, साइफर क्या होता है, किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए गाइस, आपको सिर्फ बता देंगे ये एक ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट बन रही है, इसके ऊपर निकले बाय करो, इसके नीचे निकले सेल करो, वो आपको दो दो तरीके से आपको बताते हैं कि बाय भी करो सेल भी करो, वो आपको एक परफेक्ट नहीं बताते, क्योंकि वो लोग खुद कन्फ्यूज़ होते हैं कि इस लेवल के ऊपर निकलेगा अभी कि नहीं निकलेगा। सो इसलिए आपको वो बाय के लिए भी देते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक पर, एक सेल के लिए भी देते हैं, पर मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज़ ही सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या पैटर्न सजेस्ट कर रहा है उसके ऊपर ही आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब आते हैं हम टाटा केमिकल्स पे, टाटा केमिकल्स हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, टाटा केमिकल्स हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि इसके लिए अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी मेरे लोज हैं मैं उन लोज के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जी गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लो पे इसने सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, और फिफ्थ टाइम इसने सपोर्ट लेके तोड़ा, पर उसके अंडर ही काम कर रहा है हम कह सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक और ऐसे रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बना देता हूँ जो कि हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकती है ये। सॉरी गाइस, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, आर्ली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है गाइस, आर्ली चार्ट पे हम चलते हैं, आर्ली चार्ट पे मैं इसे जूम आउट करता हूँ और मैं फिर आपको तब दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। देख सकते हैं यहाँ पर आर्ली चार्ट में ये थोड़ा ठीक से नहीं बना, मैं इसे थोड़ा ठीक से बनाता हूँ। जी गाइस, अब हमें किस तरीके से काम करना है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है जो कि हमें मदद कर रहा है कि यहाँ पे इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे जाता है तो हम वहाँ से एग्जिट करेंगे। पर गाइस हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं कि टाटा केमिकल कर क्या रहा है, टाटा केमिकल ले रहा है अपना 445 पे सपोर्ट, 445 पे हम देख रहे हैं कि टाटा केमिकल पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। गाइस मैं जो भी आपको स्टॉप लॉस की बात करता हूँ वो ज़्यादातर क्लोजिंग बेसिस की बात करता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी वॉलेटाइल है तो वो उस स्टॉप लॉस को टेस्ट करके दोबारा बाउंस कर जाती है।
तो उसकी वजह से हमारा जो स्टॉप लॉसेज है वो ट्रिगर हो जाता है, हम लॉस में चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो भी आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराया जाए क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करिए, तभी पैसा कमा पाएंगे आप। देख सकते हैं कि एक जो ये सपोर्ट की मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये है 545 का लेवल। 545 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये तोड़ देता है तो फ्रेश सेलिंग पोजीशन इनिशिएट हो जाएगी टाटा केमिकल पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो टूट जाएगा टाटा केमिकल पे। सो गाइस अब हमें इसे किस तरीके से ट्रेड करना है, अब आप देख सकते हैं कि वह 560 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है आज। अगर ये आपको कल 3-4 रुपये नीचे मिलती है, यानी कि अगर आपको ये कल 556-557 के आसपास अगर आपको ये मिलती है तो बाय करिए। बाय करने के बाद स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 546 का। 546 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये 570 से 580 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करा के दिखा सकता है। कैसे, अब उसकी भी बात हम कर लेते हैं। अब मैं इसके लिए एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और तब हम देखेंगे कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनाई है, सारे हाइस को मैंने ड्रॉ करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ ऊपर की तरफ ड्रॉ करी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस लेवल के आसपास, ये ट्रेंड लाइन के अगर आसपास, यानी कि 556-557 के आसपास अगर टाटा केमिकल को बाय करते हैं, क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 10 रुपये नीचे लगाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 570 तक का भी लेवल दिखा सकती है। और गाइस ये टाटा केमिकल जिस तरीके से 4-5 महीने के नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रही है और हायर लेवल्स दिखा रही है, अगर ये 570 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाती है, उसके ऊपर हम देखते हैं वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसके ऊपर अगर 2-3 दिन ऊपर सस्टेन कर रही है 570 के ऊपर, फ्रेश बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो टाटा केमिकल के अंदर और एग्जैक्ट 2 दिन के अंदर अंदर या आपको 600 तक के, आपको अपने प्रीवियस हाई 580-600 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। फ्रेश बाय पोजीशन टाटा केमिकल्स पे आप इनिशिएट करके चल सकते हैं। गाइज अब हम बैठते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है NIIT टेक, इस पर किस तरीके से ट्रेड लेना। गाइज अब आप देख सकते हैं कि जब से ये साल शुरू हुआ है तब से आप देख सकते हैं कि ये 1370 से 1360 के लेवल को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा था। ये लेवल है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर रहा था जी। गाइज ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये जो लेवल आ रहा है, इस लेवल को इसने ब्रेक ही नहीं करा जब से जनवरी की सीरीज से। अब हम देख रहे हैं कि अगस्त शुरू हो गया, यानी कि 8 महीने हो गए, 8 महीने से हम देख रहे थे कि ये NIIT टेक 1360 से 1370 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था, पर अचानक हमने देखा कि इस पर्टिकुलर NIIT टेक ने आज के आज एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी, तो NIIT टेक ने 1360 के लेवल और 1370 के लेवल के ऊपर गया, ब्रेक करा, हैवी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करा और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। सो यानी कि अगर NIIT टेक कल मॉर्निंग में कुछ डिप देता है, यानी कि जो 1390 पे क्लोजिंग मिली है, अगर ये 1380 या 1375 के आसपास अगर आपको मिलता है, बाय करिए, 1360 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला टारगेट जिसका हो सकता है और जो मुझे लगता है कि कल के कल ही अचीव कर देगा वो, या परसों तक अचीव कर देगा, वो होगा 1425 का लेवल, जो कि इसका प्रीवियस हाई था। अब आप देख सकते हैं कि प्रीवियस हाई तक मुझे लगता है कि ये NIIT टेक जा सकता है और शायद ही कल के कल या परसों तक अचीव हो सकता है, यानी कि यहाँ से 30 से 35 पॉइंट तक की मूवमेंट और NIIT टेक दिखा सकता है। सो क्लियरली बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक 8 महीने से एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, हम देख रहे थे यहाँ पर सेलिंग आ जाती थी उसी लेवल पे, दूसरी बार सेलिंग आ गई, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार सेलिंग आ गई, लगातार हम उस लेवल पे एक सेलिंग देख रहे थे, अचानक उस लेवल को आज ब्रेक करा, उसके ऊपर क्लोज करी, हैवी वॉल्यूम्स के साथ क्लोज करी, तो यानी कि फ्रेश बाय बनता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1360 के आसपास, बाय पोजीशन इनिशिएट करिए, थोड़ी बहुत डिप मिलती है 5-10 रुपये की मूवमेंट की, अगर डिप मिले बाय करिए इसे, टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करें 1425 तक के एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं NIIT टेक के अंदर। अब आते हैं हम रिलायंस पे, रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस में हमने देखा था कि जब AGM की मीटिंग की AGM मीटिंग हुई थी, अगले दिन हमने देखा था कि रिलायंस ने 10% तक की मूवमेंट दिखा दी थी, एक गैप अप हमने देखने को मिला था। ये गैप अप जरूरी होता है कि अगर आप सॉरी गाइस, अगर आप रिलायंस के प्रीवियस चार्ट्स को देखेंगे तो ज़्यादातर रिलायंस ने अपने सारे गैप अप्स को फिल करा है, यानी कि इसने गैप कहाँ से देना शुरू करा था, 1160 के लेवल से इसने गैप दिया था। तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी मार्केट पे एक करेक्शन आएगी, मार्केट पे एक करेक्शन आएगी तो रिलायंस मार्केट पे नीचे गिरेगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट बढ़ भी रहा है हल्के हल्के, पर रिलायंस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, वो हल्के हल्के एक डिप ले रहा है। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 1160 मार्केट रिलायंस कभी ना कभी ज़रूर दिखाएगा, और कब तक दिखाएगा वो अब हमें देखना बाकी है।
वो कैसे दिखाएगा अब उसकी बात करते हैं। आज भी हमने अपने रिलायंस पे जब गिरावट आई थी तो मार्केट एक रिकवरी करी थी, मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो पे, पूरी अच्छे तरीके से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की डेप्थ एनालिसिस सिखाई थी, करके दिखाई थी अपनी प्रीवियस वीडियो पे। तो मैंने आपको उस टाइम बता दिया था कि जैसे ही वो उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे निफ्टी बैंक निफ्टी आती है, बाय करके चलिए और अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलेगा। उसी टाइम मैंने रिलायंस को भी अपने बाय करवाया था, अपने क्लाइंट्स को फ्यूचर बाय करवाए थे और वहां से 10 रुपए की मूवमेंट हमें रिलायंस के अंदर अचानक आने में मिल गई थी और हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं गाइस कैसे रिलायंस ने इस लेवल को टेस्ट करा, हमने अपनी क्लाइंट्स को बाय पोजीशन दी, मूवमेंट ऊपर आई, हमने यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करवा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हाई मारा 1285 का, पर फ्यूचर में अगर हम बात करें तो 1286-1287 तक का हाई मार गया था, तो हमने अपने क्लाइंट्स को एग्जिट करवा दिया था। अब आप देख सकते हैं कि रिलायंस जो है अभी एक अपमूव देने के बाद, स्ट्रेट अपमूव देने के बाद वो भी एक चैनल में चला गया, यानी कि हम एक कह सकते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। ये एक आर्ली चार्ट पे की अगर हम बात करें, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, तो ये एक चैनल के अंदर चला गया, एक फ्लैग के अंदर चला गया। अब यहाँ से एक अपने बॉटम पे जाता है, यानी कि अपने 1270 के लेवल के आसपास आता है, तो एक बाइंग आ जाती है और वो बाइंग इसे एग्जैक्ट 1300 के लेवल तक ले जाती है। वहां से हम देखते हैं कि एक दोबारा सेलिंग आती है और वहां से वो दोबारा एक 1270 यानी कि 30 पॉइंट की रेंज में एक काम कर रहा है। पर गाइस मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसको एक बार नीचे जरूर आना है। सो मुझे लगता है कि एक दो बार ये शायद और इस रेंज के अंदर काम करे, 2-3 दिन और रेंज के अंदर काम करे, पर ये डेफिनेटली इस रेंज को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाएगी तो ये जो इसने हैवी कैंडल बनाई है, ये जो आप इतनी बड़ी कैंडल देख रहे हैं, उस कैंडल का मिड पॉइंट अगर आप ले, यानी कि जो 1250 का लेवल है, अगर यानी कि 1270 का लेवल तोड़ती है तो 1250 तक ये आराम से चली जाएगी और नेक्स्ट टारगेट जो इसका होगा वो इस कैंडल का लो होगा जो कि 1230 का लेवल है। और अगर ये 1230 के लेवल को तोड़ती है तो आपको नेक्स्ट टारगेट तो पता ही है जो कि है ये गैप को फिल करेगी, जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी ने करा था अपने ट्रेडिंग सेशंस पे। सो गाइस अभी के लिए तो रिलायंस पे एक मैं बाय की सलाह ही दूंगा। रिलायंस मुझे लगता है कि एक अपमूव और दे सकता है, 1285-1290 तक एक अपमूव और दे सकता है, पर ज़्यादा दिन ये इस रेंज के अंदर काम नहीं करेगा, मुझे लगता है इस रेंज के नीचे ही तोड़ेगा। फ्रेश पोजीशन आप अगर रिस्क ट्रेडर नहीं है तो फ्रेश पोजीशन सेलिंग की तभी इनिशिएट करिए जब ये 1270 के नीचे क्लोजिंग करता है, एक या दो दिन सस्टेन करता है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करिए। हायर टारगेट सब एक्सपेक्ट करके चलेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ही मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तभी आपको मैं बताता हूँ कि फ्रेश रिस्की ट्रेडर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और जो ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी इस तरीके से ही कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ, जो रिस्क ट्रेडर्स हैं उनको अलग कॉल्स, जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए अलग कॉल्स। अब हम बढ़ते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के लिए मैं आपको चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से मैं अपनी बैंक निफ्टी पे कॉल प्रोवाइड कराई थी। हमने 28,000 की कॉल अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराई थी 150 रुपये के आसपास, और वहाँ पर जो हमने टारगेट एक्सपेक्ट करे थे वो 220 से 240 तक के एक्सपेक्ट करे थे, और जो उसने हाई मारा था वो 220 का मारा था गाइस, एग्जैक्ट उसी लेवल पे हाई मारा और वहाँ से नीचे आ गया। सो गाइस हमारे जो टारगेट्स थे 70 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी के कॉल पे अचीव करे, कैसे करे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट, फोर्थ टाइम सपोर्ट, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया। अब कैसे काम करा मार्केट ने, मैंने अपने क्लाइंट्स को फ्रेश बाय पोजीशन इंडेक्स पे कब दी, मैंने दी जब ये इस लेवल पे आया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा। आप देख सकते हैं कितने बजे, 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट करा, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा, तुरंत मैंने अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी पे एक कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी दे दी। जो मेरे रिस्की ट्रेडर्स थे मैंने दोनों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लॉट्स बाय करवा दिए गए, साइड बाय साइड मैंने एक कॉन्ट्रा ट्रेड पे अगर हेजिंग के मुकाबले मैंने एक पुट भी बाय करवा दिया था, सो उसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स थे वो एक्सट्रीम हाई गए थे गाइस। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसने कितनी शार्प मूवमेंट दी है निफ्टी ने, और एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल शार्प मूवमेंट दी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी क्या ट्रेड लेना है हमें, मैं आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये आप देख सकते हैं मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, यानी कि जो इसका लेवल है 10,970 के लेवल के नीचे नहीं जाती,
फ्रेश सेलिंग पोजीशन आपको इनिशिएट नहीं करनी है। और मैं देखिए गाइस, सबसे पहले रिस्क ट्रेडर्स की बात करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ सेफ ट्रेडर्स पे। फ्रेश सेलिंग पोजीशन कब इनिशिएट करनी है आपको? जब ये 10,970 के नीचे जाती है, एक घंटा उसके नीचे ट्रेड करती है, वेट करती है, वहाँ पर सस्टेन करती है, वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहे हो, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 10,900 का लेवल, ठीक है गाइस। और उसके बाद अगर वो 10,900 के लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट बताऊँ क्या होगा गाइस, जो उसका प्रीवियस हाई था, एक सेकेंड, उसका प्रीवियस हाई था 10,780 का लेवल। सो इसका नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है गाइस। अब हमें सेफ ट्रेडर की बात करनी है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, आप सबसे पहले ये देखिए गाइस, आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मार्केट काम कर रही थी लोअर लोस लोअर हाइज में, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, बिल्कुल नीचे जा रही थी। अब यहाँ से हम देखने को देख रहे हैं कि मार्केट एक अपमूव की तरफ जा रही है, हम देख रहे हैं कि हायर हाइज बन रहे हैं और लोज भी जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेफ ट्रेडर्स के लिए अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो आपको फ्रेश पोजीशन तब इनिशिएट नहीं करनी है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा जो इसका प्रीवियस लो है। आप देख सकते हैं ये इसका प्रीवियस लो है, कहाँ पर लो है इसका प्रीवियस, 10,924 का लो, तो यानी कि 10,924 तो सेफ ट्रेडर्स के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब इनिशिएट होगी, जब वो 10,900 के नीचे जाएगा। फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा 10,700 या 10,800 का लेवल। सेफ ट्रेडर्स के लिए 10,900 के नीचे शॉर्ट है, रिस्की ट्रेडर्स आप 10,970 पे ही शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं बाय पोजीशन पे। बाय पोजीशन आप इनिशिएट कब तक कर सकते हैं, बाय पोजीशन आप अभी भी इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपका पहला होगा वो 11,070 से 11,080 होगा, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 11,140 से 11,180 का लेवल, जो कि एक हर्डल की तरफ बनते हुए आ रहा है, जो हम लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस देख रहे थे। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे। सेम बैंक निफ्टी के अंदर है, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे मैं आपको ज़्यादा एनालिसिस करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने उस पर आपको 15 मिनट की वीडियो पे पूरा एनालिसिस करके बता दिया था। जब तक उस पर कोई ऐसा एक्सट्रीम चेंज नहीं होता तब तक मैं एक आपके लिए पूरी वीडियो नहीं लेकर आऊँगा। शॉर्ट टर्म पर आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी पे हमने अपनी पोजीशंस थी और काम कर रहा है। देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से आर्ली चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है। शॉर्ट पोजीशन रिस्की ट्रेडर्स के लिए है जब ये 27,800 के लेवल 27,850 के लेवल को तोड़ती है। जैसे ही ये 27,850 के लेवल को तोड़ेगी आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर लेनी है, और पहला टारगेट जो होगा वो 27,700 का लेवल होगा। 27,700 का लेवल होगा जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है और जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। सेफ ट्रेडर्स के लिए क्या है, अगर ये 27,700 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 27,400 या 27,350 के लेवल। बाय पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं, बाय पोजीशन के लिए कहाँ तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं देखिए ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे लगता है कि 22 पोजीशन अगर आप इनिशिएट करके चलेंगे तो यहाँ से ये 28,300 से 28,400 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। सेम अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी हमें कहाँ तक के हायर साइड भी लेवल्स दिखा सकता है, वो हमें दिखा सकता है कि 11,130 से 11,140, जो भी अभी आपको मैंने बताया। गाइस अगर आपको वीडियोस पे जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ वो अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो मैंने आपको जैसा बताया आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी ऐसी रिपोर्ट पे आ जाएंगे, तुरंत मेरी ऐसी रिपोर्ट पे आएंगे और यहाँ पर आप सारा अगर डाटा पढ़ेंगे आपको आप इसके साथ आपको ग्लोबल व्यू मिल रहा है। कमोडिटी पे अगर आप देखना चाहते हैं कमोडिटीज पे ट्रेड करते हैं वो सारा कुछ आपको मिलेगा। क्रूड प्राइस से आप पर्टिकुलर इंडेक्स स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप क्रूड प्राइस के प्राइस बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ गए अब तो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि BPCL इन सबको शॉर्ट कर सकते हैं, पेंट सेक्टर को शॉर्ट कर सकते हैं, इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है IT सेक्टर पर बेट लगा सकते हैं, और उसके साइड बाय साइड आप PSU बैंक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। गोल्ड बढ़ रहा है तो आप उसके हिसाब से आप मुथूट फाइनेंस को टाइटन को बाय करके चल सकते हैं गाइस। तो आप अगर मेरी इस आर्टिकल्स को पढ़ेंगे आप देख सकते हैं गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आर्टिकल जो भी मैं डाल रहा हूँ ये 6-6, 10-10 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं मेरा एक एक दिन के अंदर आर्टिकल, पर जो मेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो 400-500 लोग देखते हैं। सो गाइस मैं आपके लिए इतनी मोटिवेटेड से वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो गाइस जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसे प्लीज़ शेयर आप दूसरों के साथ करिए,
अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए, और जो मेरा मोटिवेशन है उसे प्लीज़ बढ़ाए रखिए गाइज़। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जो मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ गाइज़, ये आपको पसंद आ रही है जो मैं आपको चार्ट्स में सिखा रहा हूँ, क्या वो दूसरे यूट्यूबर्स के मुकाबले अच्छे से सिखा रहा हूँ, वो कैसा सिखाते हैं, मैं कैसा सिखा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे पता चले। आप देख सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स में भी मेरा आर्टिकल यहाँ पर शो कर रहा है गाइज़, जाके एक बार देखिएगा क्यों शो कर रहा है। यहाँ पर ऐसे आप डालेंगे तो शो नहीं करेगा, यहाँ पर एडिटर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है गाइज। इस investing.com का जो एडिटर है वो है पुनीत सिक्खा जी, जो मिस्टर पुनीत सिक्खा है वो हमारे आर्टिकल्स को एडिट करती है, देखती है कि वो बढ़िया आर्टिकल है तभी वो मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स पे जाता है। ज़रूर वॉच करिए देखिए गाइस, तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब इनके आर्टिकल्स भी ज़रूर पढ़िएगा गाइस, ये बहुत बढ़िया आर्टिकल शो करते हैं और ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हम आर्टिकल्स जितने ज़्यादा पढ़ेंगे हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सारा अगर आपको डाटा चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाइए, सारी यूज़फुल चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिलेंगी, सारी लिंक्स यूज़फुल आपको मिलेंगी, सिर्फ आपको फ़ायदा उठाना है। 15-20 मिनट अगर आप अपने इस पर्टिकुलर मार्केट को दे देंगे, मेरी इस एनालिसिस को दे देंगे, मार्केट में आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। साइड बाय साइड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए तो आप पैसा और कमा पाएंगे।